रत्नपुरा में पेयजल समस्या, नाराज ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। मनोहरपुर से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार वर्मा की रिपोर्ट। गठवाड़ी ग्राम पंचायत के रत्नपुरा गांव में पेयजल समस्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाराज ग्रामीणों ने आईटी केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण मुकेश वर्मा एवं नवल किशोर ने बताया कि पहले विरोध प्रदर्शन एवं धरने पर बैठने के बाद विधायक गोपाल मीणा ने जल्द समस्या का समाधान कराने व स्थायी समाधान नहीं होने तक टैंकरों से गांव में पेयजल की सप्लाई करवाने का आश्वासन दिया था, जिस पर ग्रामीण शांत हुए। लेकिन अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने पुनः विरोध प्रदर्शन किया। इधर समस्या समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन में ओम प्रकाश बुनकर, घनश्याम वर्मा, मुकेश बिजारणिया, लोकेश वर्मा, राम सिंह बुनकर, श्रवणी देवी, दफा देवी, कौशल्या देवी, कमली देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रत्नपुरा आज फिर से ग्राम पंचायत पर धरने पर बैठा हुआ है। पूर्व में 18 और 19 तारीख को धरना प्रदर्शन किया गया था, फिर भी और स्थानीय विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि टैंकरों की व्यवस्था से पानी पिलाया जाएगा और स्थायी समाधान 7 दिन में कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी न तो 7 दिन में कोई व्यवस्था की गई है, न टैंकरों की व्यवस्था की गई है और ग्रामवासी फिर से आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। और यह धरना जब तक चलते रहेगा जब तक उच्च अधिकारी आकर इस धरना स्थल पर हमसे मुलाकात नहीं करते हैं। और बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ हुई है, सुबह 10 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं भूखे प्यासे।